Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to discuss about one of the 15 international organizations which is a specialized agency of United Nations and it is known as International Maritime Organization. तो आज हम आई एम ओ इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे प्री के लिए इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और मेंस में जी एस टू में भी अगर आपको पता होगा ग्लोबल ग्रुपिंग्स और एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट इस टॉपिक में ये कवर हो जाएगा नाव वाई इज इट इन न्यूज़ अभी रिसेंटली ही थर्ड जुलाई को एटीथ सेशन हुआ है आई की एक कमेटी का ओके okay, हम डिस्कस करेंगे कि आईएमओ की कितनी कमिटीज हैं सो आईएमओ एम दैट इज इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन उसकी एक कमिटी है विच इज कॉल्ड मैरिटाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमिटी एम तो इसका अभी एटीथ सेशन हुआ था और इस सेशन में जो इंडिया है उन्होंने एक डॉक्यूमेंट सबमिट करी है इस कमेटी को एम डॉक्यूमेंट -E और इस डॉक्यूमेंट में इंडिया ने स्ट्रेस करा है दैट वी शुड हैव रियलिस्टिक टारगेट्स जो हम पूरे कर सकें टू अचीव नेट जीरो कार्बन फ्यूल इन द मेरीन फ्यूल मिक्स तो जो फ्यूल जो है शिपिंग इंडस्ट्री यूज करती है मेरीन फ्यूल मिक्स उसके लिए एक टारगेट है दैट इज नेट जीरो कार्बन फ्यूल्स तो कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए नेट जीरो कार्बन फ्यूल्स का Uh, एक टारगेट है बट इंडिया ने ये बोला है कि हमें अगर ये अचीव करना है नेट ज़ीरो कार्बन फ्यूल तो हमें रियलिस्टिक टारगेट्स बनाने पड़ेंगे जो कि डेवलपिंग कंट्रीज फॉलो कर सकें एंड इंडिया हैज़ सेड दैट बाय 2030, द नेट ज़ीरो कार्बन फ्यूल्स दे शुड ऑक्यूपाई 5% ऑफ द मरीन फ्यूल मिक्स और इंडिया ने ये बोला है क्योंकि अनरियलिस्टिक टारगेट्स हम रखते हैं उसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें फ्लॉट पॉलिसीज बन जाती हैं अनसस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और उसका कोई खास रिजल्ट आता नहीं है तो इंडिया का स्टैंड क्या था मीटिंग में इंडिया ने ये बोला कि जो भी रिडक्शन स्ट्रैटी है ग्रीन हाउस गैस इमिशन्स को कम करने के लिए या नेट ज़ीरो कार्बन अचीव करने के लिए वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए और एक फेजड मैनर में फेज बाय फेज वन स्टेप एट अ टाइम एक टाइम पे एक ही स्टेप लें एक फेस्ड मैनर में एंड इट शुड बी स्मूथ, ठीक है सो so, ट्रांजिशन जो है नेट जीरो कार्बन फ्यूल की स्मूथ होनी चाहिए फेस्ड मैनर में होनी चाहिए इट शुड बी रियलिस्टिक और इंक्लूसिव और इंडिया ने ये भी बोला कि अभी जो फाइन लगता है फाइनेंशियल रिवाइ लगता है ऑन द ग्रीन हाउस गैस इमिशंस उसका जो बेसिक एम है वो है कि ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी को एनकरेज करना कि हम और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं ना कि किसी को पेनलाइज करना तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये जो हम फाइन लगाते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे उसके लिए कुछ ऐसा इकोनॉमिक प्रपोजल डेवलप करा जाए कि अप्रोप्रिएट फंड्स जो हैं जनरेट हो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ताकि वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें कि कैसे उनको अल्टरनेट फ्यूल्स प्रोड्यूस करने चाहिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट करें तो उसके लिए जो फंड्स हैं उसके लिए कोई ऐसा इकोनॉमिक प्रपोजल लाएं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो जो जो भी फाइन लगते हैं उनको एज अ फंड यूज कर सकें और इंडिया ने ये भी बोला है कि जो भी फ्यूचर फ्यूल्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए सबके लिए इंक्लूसिव होने चाहिए अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे कोई खरीद नहीं पा रहा है कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए और हमारे पास ट्रेन मैन पावर भी होनी चाहिए अगर हमें जो टारगेट है वो अचीव करना है तो इंडिया ने मीटिंग में बेसिकली ये बोला कि आपको अभी जो आने वाले सेशंस हैं कमेटी में उनमें ब्रेन कीजिए और ऐसा एक रेवेन्यू जनरेशन मॉडल लेके आइए कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उन जो फंड्स हैं उनको यूज करके अल्टरनेट फ्यूल्स डेवलप कर सके आर एंड डी में लगा सके और अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके बिकॉज अभी क्या हो रहा है वो टारगेट देते हैं बट वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता है और अनसस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स हो ही जा रही हैं और कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता है सो दैट वॉज इंडिया स्टैंड इन दी एम ई पी सी कमेटी अब हम आई एम ओ के बारे में अगर डिस्कस करें तो आई एम ओ एज आई टोल्ड यू यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की टोटल फिफ्टीन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं सो दीज स्पेशर बेसिकली द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन या यूनाइटेड नेशन से इंडिपेंडेंट है बट दे सम हाउ हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड नेशन अब आई एम ओ का अगर हम मिशन स्टेटमेंट देखें तो उसमें ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड किस किस चीज पे उनका फोकस है मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे है उनका फोकस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरी वन एट सी सेकेंड पॉइंट है पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स थर्ड मैटर है लीगल मैटर्स तो लीगल मैटर्स भी जो है वो आई एम ओ देखता है उसके मिशन स्टेटमेंट में ही ये जो तीन पॉइंट्स हैं वही उसके मेन फंक्शंस हैं अब अगर हम इंटरनेशनल शिपिंग की बात करें तो इंटरनेशनल शिपिंग हम सबको पता है दैट शिपिंग इज अ लो कॉस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आती है अगर हम कुछ भी शिपिंग Uh, करते हैं एफिशिएंट होता है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होता है तो मोस्टली जितने भी गुड्स होते हैं वो इंटरनेशनल शिपिंग के थ्रू ही जाते हैं एंड इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 80 परसेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड सो इसलिए उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है विच इज द मैंडेट ऑफ आई सो लेट्स सी अबाउट आई सो नाइनटीन फोर्टी में यूनाइटेड नेशंस ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी जिनेवा में एंड एक कन्वेंशन को अडॉप्ट करा विच वॉज द यू एन कन्वेंशन इन जिनेवा एंड इट वॉज अडॉप्टेड ऑन सेवनटीन मार्च एट और इस कन्वेंशन से फॉर्मली एस्टेब्लिश uh, किया गया आई एम ओ को बट उस टाइम पे आई एम ओ का नाम आई एम ओ नहीं था उसका ओरिजिनल नाम था आई एम सी ओ सो इफ यू सी हेयर ओरिजिनल नाम था आई एम सी ओ and IMCO stands for Intergovernmental Maritime Consultative Organization. लेकिन ये जो नाम था वो change हुआ 1982 में और अब जो हम जानते हैं IMO, which is International Maritime Organization. अब although जो convention थी वो 1948 में आ गई थी, but it didn't enter into force up until 1958. और जो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन मिली दैट वाज टेन इयर्स आफ्टर द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस व्हिच इज इन 1959 ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है आईएमओ एम ओ हेडक्वार्टस है इनका हेड क्वार्टर्स लंडन में है यूनाइटेड किंगडम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अगैन उसका मिशन स्टेटमेंट तीन मेन पॉइंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एंड देन थर्ड वॉज द लीगल मैटर्स अब जो आई का वर्क है वो यू के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे उसको सपोर्ट करता है और एस्पेशली अगर मैं बात करूँ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फोर्टीन विच रिलेट्स टू लाइफ बिलो वाटर सो एस डी जी फोर्टीन को स्पेशली सपोर्ट करता है एंड ऑफ कोर्स इट ऑल्सो लुक्स एट अदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इट्स अ ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी मेन रोल क्या है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना शिपिंग इंडस्ट्री के लिए जो कि सबके लिए फेयर हो इफेक्टिव हो और हर कोई जो है यूनिवर्सली उसको अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट कर पाए जैसे कि मैंने बताया था फोर्थ फंक्शन लीगल मैटर्स में है तो लाइबिलिटी कोई भी होती है या कॉम्पनसेशन इश्यूज होते हैं वो भी आई डील करता है करंटली कितने मेंबर स्टेट्स हैं आई में सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन सेवेंटी फाइव में और इंडिया जो है वो आई एम ओ को मेम्बर बना था नाइनटीन फिफ्टी नाइन में इसके अलावा थ्री एसोसिएट में गवर्नमेंटलवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दे हैवजर्वर स्टेटस दैन एटी फाइव इंटरनेशनल एनजीओ हैं जिनका कंसल्टेटिव स्टेटस है तो इतना याद करने की जरूरतियां सिर्फ वन सेवन मेंबर स्टेट हैं और थ्री एसोसिएट मेंस हैं अब जो आई है इट इज़ एड बाय एन असेंबली ऑफ़ मेंबर्स इनकी भी एक असेंबली होती है अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज ये जो असेंबली ऑफ मेंबर्स है इट मीन्स एनियली दैट मीन्स वंस एवरी टू ईयर्स तो दो साल में एक बार मिलती है ये असेंबली उसके अलावा एक सेपरेट काउंसिल है जिसको सिलेक्ट किया जाता है असेंबली के द्वारा एंड इट लुक्स आफ्टर द फंड एंड द फाइनेंशियल मैटर्स अब जितनी भी आई की अभी तक की ट्रीटीज़ हैं इंडिया इज अ पार्टी टू 33 थ्री ट्रीडीज कन्वेंशन या प्रोटोकॉल्स आई होप दैट इज क्लियर लेट्स मूव फॉरवर्ड अब जो आई एम ओ है इट कवर्स ऑल द आस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग शिप डिजाइन से लेके उसकी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट उसकी ऑपरेशन डिस्पोजल वगैरह सब कुछ जो है वो आई एम ओ देखता है और जैसे कि मैंने बताया ऑल दो सब इंडिविजुअल एस डी जी के साथ लिंक्ड है ऑर्गेनाइजेशन बट इट मोस्टली वर्क्स अराउंड द एस डी जी फोर्टीन विच सेज दैट कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस सीज मरीन रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो दिस इज लाइफ बिलो वॉटर विच इज द एस डी जी फोर्टीन अराउंड विच ऑल ऑफ द वर्क ऑफ आई एम ओ इज डन अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है आई एम ओ का सो आई एम ओ की अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन में एक असेंबली है ठीक है एक काउंसिल है जो अभी हमने डिस्कस करा पांच कमिटीज हैं फाइव मेन कमेटीज एंड देर आर नंबर ऑफ सब कमिटीज जो हाइएस्ट गवर्निंग बॉडी है दैट इज दसेंबली सो हाइएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ दर्गेनाइजेशन इज असेंबली इसमें All the member states they are part of the assembly and it meets once every two years that is biannually in regular sessions. lekin agar kuch extraordinary session ki zarurat ho tab bhi assembly meet kar sakti hai Next was council. Council को elect करती है assembly two year terms के लिए beginning after each regular session of the assembly. तो हमें पता है हर दो साल में एक बार मिलती है. तो जब भी नया session होता है उसका वो council elect करती है. सो काउंसिल इज ऑल्सो इलेक्टेड फॉर टू ईर टर्म्स काउंसिल जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है मतलब इम्प्लीमेंटेशन का काम काउंसिल का है एंड इट्स सुपरवाइज द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा एक सेक्रेटेरिएट है ठीक जिस है जिसमें सेक्रेटरी जनरल है एंड सम थ्री हंड्रेड इंटरनेशनल पर सोनल जो कि लंडन के हेडक्वार्टर्स में ही काम करते हैं वील ऑल्सो डिस्कस कौन सी पाँच मेन कमेटीज हैं और सब कमेटीज हैं अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आई जो है इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इट्स पॉलिसी कोई भी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है और कुछ भी बाइंडिंग तब होता है बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली आई के कन्वेंशनस हैं जो भी स्टेट जो है वो उसको रेटिफाई करती है कन्वेंशन को दे आर बाउंड बाय द कन्वेंशन अदरवाइज इफ दे डू नॉट साइन एंड इट देन दे आर नॉट बाउंड बाई इट सो बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट सिर्फ कन्वेंशन से आता है दे आर ब्रॉट इन ओनली थ्रू द कन्वेंशन टू विच में कंप्लायस अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कमिटीज की सो देर आर फाइव कमिटीज ऑफ आई एमओ एंड अगर क्वेश्चन आए प्री में कोई भी किसी भी कमेटी का की इसमें कौन कौन से मेम्बर्स होते हैं तो जितनी भी कमिटीज़ हैं पांच की पांच कमिटीज़ दे हैव ऑल द मेंबर स्टेट्स एज इट्स मेंबर्स तो चाहे वो एमएससी है एम ई पी सी है लीगल कमेटी है फेसिलिटेशन कमेटी है कोई भी है इनमें से हर एक जो मेंबर स्टेट है वो उसका पार्ट है ऑल द मेंबर स्टेट्स आर मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज़ सो कौन कौन सी फाइव कमिटीज हैं टेक्निकल कोऑपरेशन कमेटी मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी मरीन एनवायमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी एम ई पी सी इसका अभी एटीथ सेशन हुआ है देन लीगल कमेटी एंड फेसिलिटेशन कमेटी अब इन कमिटीज के अंदर सब कमिटीज भी काम करती हैं तो सेवन सब कमेटीज हैं वो अपना जो भी प्रपोजल है वो मेन कमेटी को दे देती है एंड देन मेन कमेटी असेंबली में उसको रखती है फिर अप्रूव होता है वो एंड देन वो कन्वेंशन वगैरह में जो है कन्वर्ट होता है सो एम ई पी सी जो अभी हमने देखा

एयर पॉलिटेंट्स कवर होते हैं ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्राम द शिप्स कवर होते हैं एंटी फाउलिंग सिस्टम्स कवर होते हैं अब हम देख लेते हैं वट आर द की कन्वेंशन ऑफ आई एम ओ मेन जो है इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट थ्री है एक ये लास्ट वन भी देख लेते हैं मेरी टाइम लेबर कन्वेंशन ठीक है और इम्पॉर्टेंट थ्री कौन सी हैं फर्स्ट वन इज सोलेस 1960 में आई थी इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी तो सबसे पहले सेफ्टी का ही काम करा गया था सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी सो इट वाज जस्ट फॉलोइंग सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक तब आईएमओ क्रिएट अभी नहीं हुआ था लेकिन इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी इट वॉज अडोप्टेड इन नाइनटीन आई एम ओ क्रिएट नहीं हुआ था लेकिन ये कन्वेंशन बाद में फिर आई एम ओ ने एक्सेप्ट कर ली एंड देन देर इज एस टी सी डब्ल्यू विच इज इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर द सी फायर एंड देन द थर्ड वन इज इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स विच इज मारोल जो अभी हमने डिस्कस करा था कि जो एम ई पी सी है वो इस कन्वेंशन को मारपोल को कवर करती है ओके okay, सो so, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं सोलस देन एस टी सी डब्ल्यू मारपोल एंड द थर्ड वन इज लेबर कन्वेंशन एम एल सी सो अगर हम फिर से अगर मिशन स्टेटमेंट की बात करें तो सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स ठीक है तो सोलस और मारपोल सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी इज सोलस एंड मारपोल इज प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम द शिप्स उसके अलावा ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन वाली जो कन्वेंशन है वो याद रखना और एक लेबर कन्वेंशन बी है अगर हम प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स की बात करें तो मारपोल जो है वो 1973 में अडॉप्ट करी गई थी ये कन्वेंशन लेकिन फिर उसके बाद उसको प्रोटोकॉल ऑफ उस 1978 से अमेंड भी करा गया तो मारपोल 73 थ्री बाई सेवेंटी इसको ऐसे लिखे जाते हैं एंड इट कवर्स नॉट ओनली द एक्सीडेंटल ऑयल पोल्यूशन या ऑपरेशनल ऑयल पोल्यूशन लेकिन अगर कोई भी पोल्यूशन होता है गुड्स से जो कि वो कैरी कर रही थी शिप्स इन पैकेज फॉर्म सीवेज कवर होता है गार्बेज कवर होता है एयर पोल्यूशन केमिकल्स तो सिर्फ एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स जो हैं वो कवर नहीं होते इसके अलावा भी सीवेज गार्बेज गुड्स इन पैकेज फ्रॉम एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर मारपोल अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सल्फर लिमिट का आईएमओ जो है वो काफी टाइम से सल्फर ऑक्साइड्स की जो एमिशन्स है शिप्स की उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है फर्स्ट टाइम इट केम इनटू फोर्स इन 2005 कौन सी कन्वेंशन के अंडर अगेन मारपोल कन्वेंशन के अंडर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स जिसको बोलते हैं और 2005 से लेके अब तक वो लिमिट्स जो हैं सल्फर ऑक्साइड्स की उसको प्रोग्रेसिवली टाइटन करते जा रहा है और अभी जनवरी 2020 में उन्होंने बोला था कि जितनी भी मर्चेंट शिप्स हैं दे शुड नॉट बर्न फ्यूल जिसमें सल्फर कंटेंट 0.5 परसेंट से ज्यादा हो अब ये जो लिमिट थी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके लिए आ, अचीव करना बहुत मुश्किल था बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्राइस दैट दे कम विद अब क्या बेसिकली था अगर हमें सल्फर कंटेंट को इतना लो परसेंटेज पे रखना है तो उसके लिए जितनी भी रिफाइनरीज हैं जो कि फ्यूल प्रोड्यूस कर रही हैं उनको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा दैट मीन्स अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो अल्टीमेट जो कॉस्ट ऑफ मरीन फ्यूल है वो भी इंक्रीज होगा इंक्रीज फ्राइट कॉस्ट क्योंकि फ्यूल का अगर कॉस्ट बढ़ गया तो ऑब्वियसली जो आपके चार्जेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे एंड इट विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द रिटेल प्राइजेस ऑफ द गुड्स ऑल्सो तो गुड्स के प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस टू शिप्स अब जैसे अगर अगर कोई व्हीकल भी है उसका भी अगर हमें बेटर फ्यूल करना होता है तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ते हैं उस व्हीकल में सेम इज़ द केस विच शिप्स ऑल्सो क्योंकि जो भी वेरी लो सल्फर फ्यूल होगा वो इनकम्पैटबल होगा फिलहाल के जो इंजनस हैं उनके लिए अदर वेसल इक्विपमेंट के साथ तो उनको भी हमें चेंज करना पड़ेगा अगैन कॉस्ट बढ़ जाएगी ठीक है और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आए हैं ऐसी शिप्स के जिसमें इक्विपमेंट जो है वो डैमेज हो जाती है या अप हो जाती है अगर हम वेरी लो सल्फर फ्यूल यूज कर लेते हैं विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें देखने वाला है कि इंडिया जो है उसको यहाँ पर मुश्किलें आई हैं ओके okay? और अगर अगर हम देखें जो बेसिकली मेन टाइप का ऑयल होता है बंकर ऑयल जिसको बोलते हैं शिप्स के लिए वो एक ही हैवी फ्यूल ऑयल होता है एंड इट इज़ अ रेजिड्यू फ्राम द क्रूड ऑयल डिस डिस्टिलेशन और क्रूड ऑयल में हमें पता है सल्फर होता है तो सल्फर ऑक्साइड्स के मिशन इसी लिए होते हैं अब जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं इट इज़ ऑब्वियसली हार्मफुल ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है और इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसे हार्मफुल हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो जाती हैं ब्रेथ से रिलेटेड लंग डिजीज हो जाती हैं ठीक है एटमॉस्फेयर के लिए कैसे है सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इट कैन कॉज एसिड रेन विच कैन अल्टीमेटली हार्म द क्रॉप फॉरेस्ट एक्वेटिक स्पीशीज एसेट्रा ऑल्सो इट कैन लीड टू एसिडिफिकेशन ऑफ मोशन बिकॉज सल्फर ऑक्साइड अगैन वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट जो है वो हो जाएंगी तो इसीलिए जो आई एम ओ है उन्होंने बोला कि सल्फर कॉन्टेंट जो है वो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और हमने देख लिया इंडिया को क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए रिफाइनरीज को यू नो रीडिजाइन करने के लिए एंड दैट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो शिप्स हैं उनका स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा अगर इतना लो सल्फर फ्यूल यूज़ करना है अगेन अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन जो आई एम ओ ने अडॉप्ट करी थी दैट इज हॉन्ग कॉन्ग कन्वेंशन एंड इट वॉज डॉप्टन टू थाउजेंड एंड नाइन इसका जो फुल नेम है वो है होंगकोंग कन्वेंशन फॉर द सेफ रीसाइकिलिंग एंड एनवायरमेंटली साउंड रीसाइक्लिंग ऑफ द शिप्स सो सी ही फुल नेम हियर तो नेम से ही आई थिंक आपको क्लियर है किससे रिलेटेड होगा रीसाइकिल ऑफ शिप्स की तो जो भी शिप्स जो है रीसाइकल हम करते हैं आफ्टर दे रीच द एंड ऑफ देयर ऑपरेशन लाइफ कि जब वो आगे हम यूज़ नहीं कर सकते उस शिप को तो हम उसको रिसाइकिल करते हैं तो रीसाइकिल करते टाइम उसको आ, वो जो शिप है वो ह्यूमन हेल्थ या इन्वायरमेंट या सेफ्टी पे कोई भी अननेसेसरी रिस्क पोज ना करे इसलिए आई एम ओ ने ये कन्वेंशन जो है वो लाई थी टू थाउजेंड नाइन में इंडिया ने रेटिफाई करा इसको टू थाउजेंड नाइनटीन में बट इट नॉट येड इन फोर्स इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आई एम ओ का है दैट इज़ हाई रिस्क एरियाज़ विद रिस्पेक्ट टू पायरेसी आई एम ओ ने ना डी मार्केट कर दिए थे एरियाज कि ये एरियाज जो हैं वो हाई रिस्क एरियाज हैं किया तो उन्होंने इसलिए था कि पायरेट्स वगैरह जहाँ पे डील करने पड़ते हैं तो अगर शिप्स को ऑलरेडी पता रहेगा कि ये हाई रिस्क एरिया है तो वो वहाँ से अपना डी टूर कर सकते हैं बट हुआ क्या कि इसके वजह से जो हमारा अरेबियन सी का हाफ ऑफ अरेबियन सी एंड एंटायर साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को पायरेसी इन्फेस्टेड डी मार्केट कर दिया गया दैट मीन्स हाई रिस्क एरिया डिक्लेयर कर दिया गया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो गया शिपिंग कंपनीज पे क्योंकि इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई अब कोई चीज़ हाई रिस्क है तो ऑब्वियस ही बात है अगर आप उसकी इंश्योरेंस लेने जाओगे मार्केट में तो आपको वो हाई ही प्रीमियम uh, कहेंगे क्योंकि वो बोलेंगे कि आपका रिस्क हाई है तो हम आपको इंश्योरेंस भी प्रीमियम भी हाई ही देंगे तो इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया शिपिंग कंपनीज के लिए काफ़ी सारे जो मर्चेंट वेसल्स थे वो मतलब कोस्ट ऑफ इंडिया के आसपास ही स्ट्रे करते रहते थे ताकि वो डी मार्केटेड जो जोन है उसमें ना आए एंड देर वॉज ऑल्सो एन इंसिडेंट जिसमें जो इटालियन वेसल था एंड्रिका लेक्सी इट केम इन टू कॉन्टैक्ट विद एन इंडियन फिशिंग बोट और अल्टीमेटली ulti उन्होंने दो इंडियन फिश मैन जो हैं शूट कर दिए थे एंड इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट बाई इंडिया टू गेट द डी मार्केशन प्रोमलगे रिवोक तो ये जो है डी मार्केशन हाई रिस्क वाली वो रिवोक हो चुकी है So, this was all about IMO. I hope you liked the lecture. And if you do, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to press the bell icon so that if I upload any video, you will get the notification. Thank you so much for listening to the lecture and have a very good day.